हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं एआरके ऐप्स से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल के बारे में कि क्यों आपको एक स्किल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करते रहो, पढ़ाई करते रहो। लेकिन दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, आगे चल के आप मान लो कुछ भी अच्छी पोस्ट पर हो जाते हैं, कोई अच्छी जॉब करने लगते हैं, लेकिन आज और आगे आने वाले टाइम पर जॉब सिक्योर नहीं है। तो आपने देखा होगा अभी अभी हाल ही में एक के आपने हमको एक केस सुनाई दिया था जेट एयरवेज का, जिसमें बहुत मतलब वो कंपनी बंद हो गई और बहुत सारे लोग मतलब बेरोज़गार हो गए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब कंपनी बंद हो गई तो फिर वो आपको ऐसे बैठा बैठा थोड़ी सैलरी देंगे। तो भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप स्टडी कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जॉब करो, लेकिन इसके साथ एक स्किल ज़रूर से ज़रूर सीख लेना दोस्तों, क्योंकि स्किल रहेगी जो आपको हमेशा काम देगी और वो कोई छीन नहीं सकता है आपसे। और वो स्किल कुछ भी हो सकती है, मतलब आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो डांसिंग का स्किल सीख लो, म्यूजिक का स्किल सीख लो, या फिर आप थोड़ा कंप्यूटर फील्ड में हो तो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, या फिर मार्केटिंग में आप हो तो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड स्किल आप बस सीख सकते हो अपने पैशन को फॉलो करते हुए। और अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं मेरा पैशन किस में है, मुझे मतलब कुछ ऐसा समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी स्किल है जो मुझे सीखनी चाहिए, मैं किस टाइप का बंदा हूँ, अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आप बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं। अभी जैसे मैं एक बंदा हूँ, मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे ऐप्स बनाने, कोडिंग से रिलेटेड अच्छी लगती है चीज़ें, तो मेरा तो एक टारगेट हो गया ना भाई कि मुझे उसी से रिलेटेड चीज़ें करनी है। अगर कोर्स भी करना है, अगर कोई स्किल भी सीखनी है तो उसी से रिलेटेड सीखनी है। लेकिन मैं एक बंदा हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं है कि कुछ मेरे पैशन किस में, मेरा इंटरेस्ट किस में है, तब तो भाई और अच्छा हो गया कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, मतलब सारे दरवाजे मेरे लिए ओपन है, तो मैं जो स्किल चाहे वो स्किल सीख सकता हूँ और अच्छे से सीख सकता हूँ। बस कहने की बात यह है कि जो सीखो अच्छे से सीखो, एक्सपर्ट बन जाओ उसमें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर आपको मतलब इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि भाई मेरी जॉब है कि नहीं है। आप साइड में अगर कोई स्किल आपने सीखी है तो स्किल के साथ आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि भाई अभी जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, लगभग अंडर 25 एज है, तो भाई मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो भाई ज़रूर से मेरी ये सलाह को अपनाना और कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर से सीखना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी स्किल को सीख सकते हो और स्किल में मास्टरी कर सकते हो अपने, और जिससे कि आप आगे जाके अच्छी खासी एक अर्निंग कर सकते हो। एक हो सकता है कि आप जॉब भी करो, लेकिन जॉब के साथ एक अलग अर्निंग सोर्स आप बना सकते हो, और इसमें आपको जॉब की इनसिक्योरिटी भी नहीं रहेगी, यार मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मतलब ऐसा फला फला, तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ नहीं होंगी। इनकेस मुझे एक संदीप महेश्वरी जी की एक बात याद आती है, जब उन्होंने अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो स्टोरी में बता रहे थे कि जब उन्होंने कोई एक इवेंट किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वो इवेंट पूरी तरीके से फेल हो गया था। फिर वो क्या किए कि भाई डिप्रेशन में आ गए, मतलब थोड़ा सैड हो गए थे, गए एक कैमरे में बैठ गए, सोच रहे थे यार अब क्या होगा। तो अचानक से उनको मतलब याद आया कि यार मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं काहे को टेंशन ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बात क्या है, फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मतलब उन्होंने एक स्किल सीखी हुई है फ़ोटोग्राफिक का, तो उनको ये चीज़ याद आई कि यार मैं तो एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं काहे को टेंशन ले रहा हूँ। फिर उन्होंने फिर से अपना फ़ोटोग्राफी वाला जो काम था वो कंटिन्यू किया, और देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो एक स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तो ज़रूर से आप कोई एक ना कोई एक स्किल सीखें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सी स्किल है जो आप सीखने वाले हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड ऐप्स के थ्रू कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे नए नए बिजनेस खड़े किए जाते हैं एंड्रॉयड ऐप्स के थ्रू, तो उस सारी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, गुड डे एंड टेक केयर।